हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो एक डीआईवाई वीडियो है, तो आज मैं आपको टू स्टेप फेशियल बताऊंगी जो इट्स अमेजिंग, क्योंकि ये मैंने खुद यूज़ किया है तो मुझे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे और आप लोगों को भी आई होप सो पसंद आएगा। तो इसमें बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो कोई साइड इफेक्ट कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों की सुपर सेंसिटिव स्किन होती है फिर भी वो पैच टेस्ट एक बार कर सकते हैं, बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसमें टू स्टेप ही बताया मैंने कहा आपको, स्क्रब और पैक। बाकी इसमें बीच में एक स्टीम स्टेप है जिसमें मैं आप स्टीम लूंगी। मैं आपको ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि आगे वीडियो में जाने से पहले आप ये सब समझ लें। मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या कैसे करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बराबर में बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस कीजिए जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इस टाइम मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। तो आप बिफोर आफ्टर करके बाद में रिजल्ट देख सकते हैं। नो कट और कोई फेक, कोई कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको इसे यूज करने से आप एकदम बिल्कुल बढ़िया स्किन हो जाएगी। देखिए, नेचुरल जो चीजें होती हैं वो वर्क करती हैं, थोड़ा धीरे धीरे करती हैं। आप इसको रेगुलर यूज में लाएंगे तब करती हैं, लेकिन जो इनके रिजल्ट होते हैं वो लॉन्ग टाइम होते हैं और साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, तो ये इनका डबल बेनिफिट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बाउल ले लेंगे, एक बाउल में मुलैठी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। ये मुलैठी पाउडर है, मुलैठी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, जो छोटा चम्मच होता है वो। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच पीसी चीनी, या आम भाषा में जिसे बूरा कह सकते हैं आप वो भी ले सकते हैं, या चीनी पीस कर भी ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छे एक्सफोलिएटर का काम करती है, आप मार्केट के एक्सफोलिएटर भूल जाएंगे, ट्रस्ट मी गाइस। और फिर इसमें डालेंगे ग्रीन टी, ये ग्रीन टी है, आप कोई भी ग्रीन टी ले लीजिए, आसानी से मिल जाती है। तो इसमें हम 1/2 टीस्पून के बराबर ग्रीन टी डालेंगे और इसमें डालेंगे फिर थोड़ा सा हनी, बहुत ही थोड़ा सा डालिए। और इसमें प्लेन वाटर डालकर इसको मिक्स कर लीजिए। इसको ज़्यादा रनी नहीं बनाना है, मतलब पतला नहीं बनाना है, तो बिल्कुल स्क्रब की कंसिस्टेंसी का बनाइए, कंसिस्टेंसी का बनाइए। ये देखिए, आपको थोड़ा पतला लगे तो आप इसमें थोड़ी सी मुलैठी और डाल सकते हैं। मुलैठी कलर को काटने का काम करती है, एक मतलब कि कटर का काम करती है, तो आपकी जो है कलर में एक या टू टोन आप रेगुलर यूज करेंगे तो बहुत फर्क आपको महसूस होगा। ये देखिए, इस जो है ये रनी भी नहीं है और एकदम ठीक है। ये हमारा एक्सफोलिएटर या स्क्रब हो गया है, तो इसको हम साइड रख देते हैं और फिर बना लेते हैं पैक। पैक के लिए आप लीजिए सैंडलवुड पाउडर, चंदन पाउडर, रेड आता है और वाइट सैंडलवुड पाउडर आता है, तो सफ़ेद चंदन और लाल चंदन। तो आप फेस के लिए वाइट चंदन, सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल करें, या फिर जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो ले लें। तो इतना ले लीजिए जितना आपके फेस पर इनफ हो। और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून मलाई। मलाई इसलिए डाल रही हूँ कि मेरी ड्राई स्किन है, आप लोगों की स्किन का टाइप जो भी, आप उस अनुसार डालिए। मान लीजिए ऑयली है तो रोज वाटर डालिए, और कॉम्बिनेशन है तो दही डालिए, या आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, अप टू यू। तो बस इसको मिक्स कर दीजिए रोज वाटर डालकर, ये आपका पैक रेडी। ओह सॉरी गाइस, इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालिए, वो इसलिए कि ये आपकी स्किन को टाइट और क्लिंजर दोनों का ही काम करती है। तो थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालिए और थोड़ा सा वाटर डालकर इसको पैक बना लीजिए। पैक ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा लाउ, और जितने टाइम हम स्क्रब करेंगे ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे। मलाई इतना अच्छा मॉइस्चराइजर होता है, पहले जब कुछ नहीं होता था जो हमारी दादी नानी मम्मी सब मलाई ही लगाते थे और उनकी स्किन आज तक भी बहुत अच्छी रहती है। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं तो कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन मैं कभी कभी मलाई लगाती हूँ क्योंकि मुझे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरी स्किन पे एकदम स्किन क्लियर, साफ, शाइनी हो जाती है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं।
इसमें हनी है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, और पीसी चीनी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी, जो कि आपकी स्किन की जितनी भी डर्ट है, मुलेठी, और ग्रीन टी। ग्रीन टी से अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कुछ नहीं होता स्किन के लिए। और एक चीज़ और गाइस, जो चीज़ें हम लगा खा सकते हैं वो हम अपने फेस पर लगा भी सकते हैं, तो आप अच्छे से नेक एरिया और अपना फेस कम से कम 5 मिनट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, और नहीं तो 2-3। मैंने स्टीम ले ली है, और स्टीम के बाद आप अपना कोई भी अच्छा फेवरेट टोनर या फिर गुलाब जल, उससे आप अपनी स्किन पर थोड़ा सा वाइप आउट कर लीजिए, जिससे आपके ओपन पोर्स क्लोज हो जाए, और अब जो हम पैक लगाएंगे फिर वो एक ऊपरी सतह पर वर्क करेगा। तो और पैक को ओनली 10 मिनट्स रखिए, और 10 मिनट्स के बाद वॉश कर दीजिए ठंडे पानी से। तो गाइस देखिए, मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ, आप बिफोर आफ्टर करके थोड़ा सा वाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं कि आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ है। मुझे तो अपनी स्किन बहुत सॉफ्ट महसूस हो रही है, और वैसे मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप चाहें तो अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। और बाय।